Once again, good morning and welcome class 7th. Class 7th, in our last video, we have discussed the chapter number 2, the phrase and the clue. Phrase की जो exercise थी वो हम already कर चुके हैं. अब आता है clues. Clues की exercise पर हम थे. कुछ homework मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था. Exercise 2.5 and 2.6. यहाँ पे हमें क्या करना था? 2.5 एक्सरसाइज में हमें अंडरलाइन द मेन क्लूज, जो मेन क्लूज है उसको अंडरलाइन करना था एंड द सर्कल द सब ऑर्डिनेट क्लूज. मेन क्लूज यानी कि जो फ्री होती है अपना मीन्स क्लियर करने के लिए, और सब ऑर्डिनेट क्लूज जो डिपेंड होती है दूसरे पार्ट पर अपना मीन्स क्लियर नहीं करती है. ये एक्सरसाइज दी थी करने के लिए. व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास एवरीवन ग्रीटेड हिम. तो ये सिंपल सी बात है यहाँ पर कि एवरीवन ग्रीटेड हिम एक अपना मींस क्लियर करने वाला पार्ट है. तो ये प्रिंसिपल क्लूज हुआ है, मेन क्लूज हुआ, और व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास ये अपना मींस क्लियर नहीं कर रहा है तो ये सब ऑर्डिनेट क्लूज हुआ इसका. आपने होमवर्क किया होगा, होमवर्क किया तो मैच कर लीजिए, देखते जाइए कि कितना आपने सही किया है कितना गलत किया है. जो गलत किया है उसको सही कर लीजिए. यू मस्ट वेट हेयर अनटिल आई कम बैक. यू मस्ट वेट हेयर, यू मस्ट वेट हेयर यहाँ पर मेन क्लूज हुई. अनटिल आई कम बैक यहाँ पर सब ऑर्डिनेट क्लूज हुई. ये अपना मीन्स क्लियर नहीं करता है अलग पार्ट होने के बाद. आई डोंट नो येट वेदर आई कैन कम टू योर पार्टी. आई डोंट नो, आई डोंट नो एक फ्री पार्ट है. येट तक करेंगे, मेन क्लूज हो गया, और जो अदर पोर्शन है वेदर आई कैन कम टू यू योर पार्टी ये आपका हो गया सब ऑर्डिनेट क्लूज. सिंस आई कम टू इंडिया, सिंस आई कम टू इंडिया मेन क्लूज. सिंस आई कम टू इंडिया ये होगी आपकी सॉरी मेन क्लूज नहीं सबऑर्डिनेट क्लूज. आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल ये आपकी मेन क्लूज हुई. यू मस्ट कॉल मी एज सून एज यू गेट होम. यू मस्ट कॉल मी, यू मस्ट कॉल मी मेन क्लूज. एज सून एज यू गेट होम सबऑर्डिनेट क्लूज. सिंस इट हैड स्टार्ट टू रेन, सिंस इट हैड स्टार्ट टू रेन वी डिसाइडेड नॉट टू प्ले. नंबर 7, सिंस इट हैड स्टार्ट टू रेन इट इज सब ऑर्डिनेट क्लूज एंड वी डिसाइडेड नॉट टू प्ले ये प्रिंसिपल क्लूज हुआ. वी डिसाइडेड नॉट टू सिंस इट ये उल्टा हो गया हमारे से. सिंस इट हैड स्टार्ट टू रेन ये सब ऑर्डिनेट क्लूज है क्योंकि डिपेंड करता है दूसरे सेंटेंस पर, और वी डिसाइडेड नॉट टू प्ले ये इसका मेन क्लूज हुआ. आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी वेरी हैप्पी मेन क्लूज है, अंडरलाइन कर देंगे इसको. इफ़ आई गेट सेलेक्टेड इन द टीम, इफ़ आई गेट सेलेक्टेड इन द टीम इट इज़ अ सब ऑर्डिनेट क्लूज बिकॉज इट डिपेंड ऑन अदर सेंटेंस टू क्लियर देयर मीनिंग. I went to bed after I had done my work. I had done my work. It is a main clue. I had done my homework. Main clues. I went to bed after. Means clear नहीं कर रहा है अपना तो ये सब ऑर्डिनेट क्लूज है. When I lived in Tokyo, I played tennis every day. I played tennis every day. Main clues हुआ तो उसको हम underline करेंगे. And when I lived in Tokyo, ये सब ऑर्डिनेट क्लूज है, सब ऑर्डिनेट क्लूज है तो हम इसको सर्कल में कर देंगे. तो इस तरह से आपकी 2.5 एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है. 2.6 एक्सरसाइज पर आ जाइए. 2.6 एक्सरसाइज में भी आपको एज एन होमवर्क दिया था, इसमें हमें बताना अंडरलाइन द नाउन क्लूज. जो नाउन क्लूज है उसको हमें अंडरलाइन करना था 2.6 पर. वी हैव नो आइडिया वेयर द बेबी इज, तो नाउन क्लूज कहाँ पर है, नाउन क्लूज जहाँ पर भी है उसको हमें सर्च करके अंडरलाइन कर देना है वेयर द बेबी इज. एंड
वेदर माई सिस्टर कैन फाइंड ए बेटर जॉब इज नॉट सर्टेन. वेदर माई सिस्टर कैन इज नाउन क्लूज हेयर. नेक्स्ट है साक्षी इज वैल्यूबल फॉर वॉट सी नोज अबाउट डाटाबेस सर्चिंग. तो वॉट सी नोज अबाउट डाटाबेस सर्चिंग नाउन क्लूज अंडरलाइन कर देना है. डू यू नो वेयर लोविना लिव्स. तो वेयर लोविना लिव्स नाउन क्लूज है अंडरलाइन कर देना है. आस्क द स्टूडेंट्स वॉट दे थॉट अबाउट द मूवी. आस्क द स्टूडेंट्स वॉट दे थॉट अबाउट द मूवी. हेयर इज वॉट दे थॉट. What they thought about the movie is noun clause here. Can you tell me what time it is? So what time it is? It is noun clause. Number 9. Why you did not hire me is hard to understand. Why do you not hire me? So it is noun clause here. Do you know where Manish went last night? इस तरह आपकी 2.6 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है. कम टू 2.7 एक्सरसाइज. अंडरलाइन द एडवर्ब क्लूज इन द फॉलोइंग. एडवर्ब क्लूज को हमें अंडरलाइन करना है. एडवर्ब क्लूज भी हम ऑलरेडी पर डिस्कस कर चुके हैं. एन एडवर्ब क्लूज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट of its own and act as an adverb. यानी कि adverb clues वो group होता है words का जिसका स्वयं का subject भी जिसमें हो, predicate भी जिसमें हो, और its ये act करता हो as an adverb. Underline the adverb clues. यही हमारी exercise है. Adverb clues को हमें underline करना है. जैसे I waited for my father until he arrived. Until he arrived it is adverb clause here. Until he arrived he did his purse. He hide his purse where no one could find it. So where no one could find it is adverb clause here. I left a message for him because he was not there. We eat so that we may leave. We leave so. Adverb clause. He was so tired that he could hardly stand. That he could hardly stand. Underline कर देना इसको. If you eat too much, you may fall ill. If you eat too much. Underline कर लेंगे इसको. Though he start early. Adverb clues. And next or last, do not until. Do not go until I get ready. So until I get ready. ये आपकी 2.7 भी complete हुई. Last exercise 2.8. Underline the adjective clues. अभी adverb clues से किया है, अब करेंगे adjective clues से. Adjective clues क्या होता है? Adjective clues के बारे में हम already discuss कर चुके हैं. Adjective clues. A clue that describes a noun or a pronoun and acts like an adjective. यानी कि जो noun और pronoun को डिफाइन करता है और खुद एक्ट करता है एडजेक्टिव का इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लूज. तो हमें एडजेक्टिव क्लूज यहाँ से निकालना है. अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस. द प्लान दैट आई प्रपोज्ड वॉज एक्सेप्टेड बाय ऑल. दैट आई प्रपोज्ड इज हेयर एडजेक्टिव क्लूज. इसी को अंडरलाइन करना है. सेकेंड द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज माई सिस्टर. Who stood first? यहाँ पर adjective clues हुआ. The forest through which we traveled is an adjective clues here. Through which we traveled. For my uncle who lives in Kanpur is a business. Who live in Kanpur. Underline कर देंगे. This is the same house that the terrorist occupied. And next, this is the same story that we have been hearing since childhood. Adjective clues हुआ यहाँ पर. And seven, he is a talented sportsman who will surely win medal at the Olympic.
हु विल श्योरली विन मेडल्स एट द ओलंपिक. ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. तो ऑल द ग्लिटर्स. ही हु इज डाउन. हु इज डाउन इज एडजेक्टिव क्लूज हियर. दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव कॉल्ड यू. दिस इज द रीजन छोड़ दीजिए. व्हाई आई हैव कॉल्ड यू इज एज एडजेक्टिव क्लूज हियर. इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 2.5, 2.6, 2.7 एंड 2.8 कंप्लीट होता है अपडे. और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है. आई सजेस्ट चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे यूनिट 1 एग्जाम्स के लिए. उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के लिए इतना ही. ओके एंड बाय.